अरे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टीचिंग अप पे। तो आज हम पीटीटी 2022 में जो फोर्थ लिस्ट के अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ में जो आपकी फिफ्थ लिस्ट आने वाली है, अभी भी सीटें खाली है। जो आपकी पीटीटी 2022 है, तो उसकी फिफ्थ लिस्ट आने की भी पूरी 100% संभावना है। उसमें साइट पर बताया गया, तो उसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है और जो कि 12th लेवल की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। एमसीक्यू की बहुत ही बढ़िया वीडियो आती है हमारे चैनल पर, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और आपको चलो बताते हैं फोर्थ लिस्ट अपवर्ड मूवमेंट आपको कैसे करना है और फिफ्थ लिस्ट आएगी कहाँ, तो आपको चेक करना है उसके बारे में। सबसे पहले ये लिंक जो दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पिछली वीडियो में ही हमने बताया था कि फिफ्थ लिस्ट आने की पूरी संभावना है, तो देखिए फिफ्थ लिस्ट आई गई आपकी। जैसे कि पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट फॉर थर्ड लिस्ट, जिनके थर्ड लिस्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ था और फोर्थ लिस्ट वालों का भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। तो 12 से 13 तारीख, मतलब एक दिन का ही, 12 से लेकर 13 तारीख तक आपको एक दिन का ही समय मिलेगा आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाने का। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाके अपने अपवर्ड मूवमेंट करना है। वो भी एक कल वीडियो आ जाएगी आपको कैसे अपवर्ड मूवमेंट करना है। लिंक पर लाइव जाके आपको दिखाएंगे कैसे आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं अपवर्ड मूवमेंट करते समय, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, जैसी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कॉलेज अलॉटमेंट आपके 15 तारीख को हो जाएंगे, तो आगे चल के इसी में एक लेटर ऑफिशियल है, उस लेटर पीडीएफ है हमारे पास, उसके ऊपर लेके चलते हैं आपको और पढ़ के बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पेज ओपन कर हो गया हमारे पास एक, और ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का जो आज ही अपडेट हुआ था उसके बारे में है। जो सीटें खाली, रिक्त सीटों पर अपवर्ड मूवमेंट की प्रतीक्षा सूची जारी, इसके बारे में बताया गया। प्रथम, ये देखिए यहाँ पर लिखा, प्रथम व तृतीय श्रेणी की सूची के तहत अपवर्ड मूवमेंट पात्रता, जिनको थर्ड लिस्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो उसका भी। और यहाँ पर लिख ली, जूम करके आपको बताते हैं, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, प्रथम चरण में तृतीय सूची के प्रवेश लेने के अभ्यर्थी सीटें रिक्त हो चुकी है और फोर्थ लिस्ट के सूची के तहत महाविद्यालय में आवंटन किया जा रहा है, अभी भी आवंटन किया जा रहा है उसके बारे में बता रहा है। प्रवेश के निश्चित पुष्टि व रसीद प्राप्त करने, ये तो हमारे काम के सीनियर है। यहाँ पर देखिए, थर्ड लिस्ट को जिनका अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ और फोर्थ लिस्ट का जिनका अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें बताया गया 15 तारीख को आपको प्रॉपर अलॉटमेंट को आपको पता लग जाएगा। और 12 से 13 तारीख को अपना शाम को 5 बजे तक आपको अलॉटमेंट का वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई करना है। तो इस सत्र में आपको 22,000 रुपये जमा कराने हैं, जो कि इसकी डेट रहेगी 16 से 19 तारीख तक आपको जमा करवाने हैं। और अपवर्ड मूवमेंट के अभ्यर्थियों को 16 से 20 तारीख तक, अपवर्ड मूवमेंट वाले विद्यार्थियों, मतलब जिनको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, 16 से 20 तक आप अपना कॉलेज में अटेंडेंस लगवा सकते हो। और उसके बाद में जो उनका फीस का आवंटन है, फीस का जो आवंटन है, उसकी वीडियो भी अगले के एक वीडियो और आएगी, उसमें आप देख सकते हो। और अभी आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि जैसे कि जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनको 48 रुपये, 200 रुपये काट के 48 रुपये मिल जाएंगे किसी भी कैटेगरी से हो चाहे वो। और उसके बाद जिनको कॉलेज मिला था पर उन्होंने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो उनको 600 रुपये कट के, 600 रुपये कट के, यहाँ पर लिखा हुआ 600 रुपये कट के आपको रिफंड 4400 रुपये मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी पीटीटी और अन्य अन्य ग्रेजुएशन संबंधित न्यूज़ हमारे चैनल पर आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।